प्रदेश के विधि मंत्री ब्रजेश पाठक ने शुक्रवार को अटल बिहारी मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए लखनऊ के गांधी कला भवन में निःशुल्क भोजनालय का शुभारंभ किया। इस भोजनालय में हर शख्स कभी भी निःशुल्क भोजन कर सकता है। कोरोना काल में असहाय गरीब, कोरोना पीड़ितों और मजदूरों के लिए निःशुल्क भोजन मिलेगा। वहीं लखनऊ में अग्रवाल समाज द्वारा भी कोरोना मरीज व उनके परिवार और गरीबों को खाना वितरित किया जा रहा है। मोती नगर महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल में ये व्यवस्था की गई। यहां गुरुवार को मेयर संयुक्ता भाटिया ने तो वहीं शुक्रवार को यूपी के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने पहुंचकर निरीक्षण किया। अटल भोजनालय आपने शुरू किया, क्या कॉन्सेप्ट है और किससे लोगों को इससे बेनिफिट है? दरअसल लखनऊ में कोविड के दौरान बहुत ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो भोजन इनको समय से नहीं मिल पा रहा है या भोजन करने में समस्या हो रही है। तो सदैव अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन ने तय किया कि लखनऊ के ऐसे जो निसहाय लोग हैं, जो कोविड पीड़ित हैं, उनको भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए। आज उसके लिए विधिवत भोजनालय का यहाँ पर प्रारंभ किया गया है पूजन भजन करने के बाद, और हम उम्मीद करते हैं कि लखनऊ के लोग जो पीड़ित हैं, वंचित हैं, यहाँ पर निःशुल्क भोजन पा सकेंगे और गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाएगा और कोविड-19 के सभी नियमों का पालन किया जाएगा। तो ये जब तक ये लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी रहेगी? हाँ, जब तक आवश्यकता होगी तब तक ये भोजनालय लगातार चलता रहेगा और किसी को कोई दिक्कत न हो इसका बराबर हम ध्यान रखेंगे। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।